आज की हमारी क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मतलब कि कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग जिसके लिए कंडीशन डिफाइन नहीं है, आपको खुद ब खुद उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे छोटा सा डेटा बनाया है, एक छोटा सा ले लेते हैं। जैसे कि मैं एक डेटा ले लिया है, मैं चाहता हूं इसका जो टोटल है, अगर इसकी जो टोटल का अगर हम 10% निकालें, अगर वो 1000 से ऊपर है, अगर टोटल का ये आपका क्या बोलते हैं ग्रांड टोटल का 10% अगर 1000 से ऊपर है तो क्या हो, फॉर्मेट हो जाए, ये पूरी की पूरी रो फॉर्मेट हो जाए। तो याद रखिएगा, कभी भी आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, बस सिंगल सेल। हाँ, सिंगल सेल। सिंगल सेल सिलेक्ट करने का पर्पस ये है क्योंकि हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ना, क्योंकि इस पे जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो तो इस इसी टोटल से होगा। क्या यस तो इसलिए हम एक सिंगल सेल को ही सिलेक्ट। चलिए क्लास लगाते हैं। यहां न्यूरॉन्स यूज फॉर्मूला इक्वल, मैं यहां पे ग्रांड टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूं, इसका 10% ग्रेटर देन 1000, और जो डॉलर का साइन है मैं इस डॉलर के साइन को हटा देता हूं। Yes, sir. और फिर फॉर्मेट में जाता हूं और अपने कलर को और फॉर्मेट पेंटर से हम पेंट कर देते हैं पूरे एरिया को। ठीक है सर। जैसे और भी कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मैं मान लीजिए अकाउंट नंबर करता हूँ, अकाउंट नंबर है, और मैं चाहता हूं कि मेरा जो अकाउंट नंबर है मेरा जो अकाउंट नंबर है वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो अकाउंट नंबर है वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें पता करना होगा सबसे पहले कि टेक्स्ट के लिए जब हम टेक्स्ट यूज करते हैं तो टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है इज टेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि सेल के अंदर में सेल टेक्स्ट अगर होता है तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स है। जैसे यहां पे नंबर है तो आपका फॉल्स आया, और जैसे मैं टेक्स्ट डालूंगा ट्रू आ जाएगा। तो हम इसके जाएंगे सिंगल सेल जो सिलेक्ट करेंगे और न्यू रोज के यूज फॉर्मूला लाएंगे, और यहां पे देंगे इज टेक्स्ट लाइक ओपन करेंगे और यहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसमें इक्वल ट्रू या फॉल्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो ट्रू फॉल्स पे ही चलता है। डॉलर हटाएंगे ना सर यहाँ पे? हाँ, डॉलर यहाँ हटाना पड़ेगा नीचे ड्रैग करने के लिए, उसके बाद यहाँ से अपना फॉर्मेट देना पड़ेगा। ओके, एंड ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट करना।
ओके सर। अब यहां पे मैं नंबर लिखता हूं तो कोई कलर नहीं है, जैसे टेक्स्ट लिखूंगा आपको यहां पे कलर आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी आपको मैं बताया था डुप्लीकेट कि जो मल्टीपल टाइम हो और आपका रन हो जाए, याद होगा। मैं मोबाइल नंबर को ही लिखता हूं, हमने इसमें क्या किया, सिलेक्ट किया और कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट कर दिया। हाईलाइट डुप्लीकेट करने से क्या दिक्कत हो गई कि अब यहाँ पे मैं अगर नंबर दो बार लिखूंगा या दो से ज्यादा बार लिखूंगा तो जो भी नंबर्स होंगे सारे हाईलाइटेड हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर यहां लिखा तो वो यहां भी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। ऐसा ना होने के पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो है दूसरा और तीसरा, मतलब एक पहला जो है वो हमारा हाईलाइट ना हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं डुप्लीकेट्स के लिए हमारे पास काउंट इफ होता है, अगर हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर मैं पूरे रेंज में इसको काउंट करती हूँ 3 आया, और यही 3 अगर मैं यहाँ भी किया तो यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ किया तो यहाँ भी 3 आएगा। हम चाहते हैं कुछ ऐसा फॉर्मूला हो कि यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 3 आए, तो कितना बार रिपीट हो रहा है उसकी काउंट निकाल सके। इसके लिए हम काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे, बट काउंट इफ में थोड़ा सा चेंज करेंगे। काउंट इफ में हम देंगे यहां A2 से A2 कॉमा A2, क्लियर है? क्लियर है। और नीचे ड्रैग करने से पहले हम पहले वाले A2 को फ्रीज कर देंगे। तो कॉपी करते हैं, यहां पे पेस्ट, यहां भी पेस्ट। तो क्यों वाला है, क्योंकि जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि हमने क्या किया हुआ है, A2 से A2 कॉमा A2 किया हुआ है, तो दूसरे वाले जो A2 है रेंज की, उस A2 को हमने फ्रीज नहीं किया हुआ, पहले वाले को फ्रीज किया हुआ। क्या हुआ कि जब कॉपी करके नीचे हम पेस्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि सिर्फ इससे ही ऊपर का एड्रेस लेता है, नीचे का एड्रेस नहीं लेता है, समझे? यस सर। तो नीचे का ले लिया तो वैसे बात है जैसे से आएगा उसी तरह से नंबर देगा। हम उसी चीज को यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ फॉलो करते हैं, राइट किट से न्यू यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, इक्वल करना जरूरी है, और यहाँ पे हम देंगे कंडीशन इज ग्रेटर देन 1। यस सर। ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर। इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब काउंट इफ का जो हम यहाँ पे यूज किए हैं तो काउंट इफ का यूज यहाँ ही नहीं और चीज हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैं अकाउंट नंबर लिखू वो नंबर एक ब्लैक लिस्ट है हमारा ना हो। जैसे हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे डाल दिए हैं, ये नंबर्स अगर जैसे मैं यहाँ एंट्री करूँ मुझे पता चल जाए कि ये नंबर्स ब्लैकलिस्टेड है जो कि आपने एंट्री कर दिया है, तो उस केस में न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला
यहाँ पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप लगाते हैं ना, तो वी लुकअप या मैच लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एरर आएंगे, तो एरर को हैंडल करने के लिए फिर वापस इफ एल्स का फॉर्मूला लगाना होगा। यस सर, तो क्यों ना मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि मुझे बस यही पता है तो करना है कि ए नंबर जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमारे डी में है या नहीं है। यस सर, तो हमने इसको सिलेक्ट किया और वापस ए टू को सिलेक्ट कर दिया, एस टू को, और हमने यहाँ पे इसको हमने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन हुआ तो रेड कलर कर दे। अब इसको कॉपी करता हूं और नीचे की तरफ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल भी कर सकता हूं, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे वन देंगे कोई दिक्कत नहीं, फाइव दिया रेड हो जाएगा क्योंकि फाइव इसमें एग्जिस्ट करता है। Yes, sir. यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं मोबाइल नंबर ही लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर अगर 10 डिजिट से कम या ज्यादा है, 10 डिजिट से कम या ज्यादा है तो मेरा यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। Yes, sir. लेंथ फॉर्मूला का यूज कर लूंगा, तो लेन इसमें सिर्फ लेन ही काम नहीं करेगा। हमें यहाँ पे लेन फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेन फॉर्मूला क्या करता है, लेंथ निकाल के देगा मुझे, इफ के साथ लेंथ लगा दे। इफ लेन आपने बोला कि मैं लेन लगाई है, हमने यहाँ पे दे दिया कि इक्वल हमने दे दिया लेन, लेन फॉर्मूला में हमने सिलेक्ट कर दिया K2 और हमने बोला नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि 10 से बड़ा या 10 से छोटा भी छोटा जाएगा। Yes, अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम 10 से बड़ा या 10 से छोटा कर देते हैं तो इसमें ब्लैंक को भी हाईलाइट कर देगा, क्योंकि ब्लैंक भी तो जीरो आएगा, जीरो भी तो 10 से बड़ा या छोटा होता है। यहाँ दो कंडीशन डालने खाया, मुझे अलग अलग देना पड़ेगा कि भाई 10 यहाँ पे कि नॉट इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 0, ये तो ब्लैक हाईलाइट कर देगा सर। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए मैं एक मल्टीपल कंडीशन डालने के लिए हम एंड या और का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल यहां करेंगे और बोलेंगे कि लेन के टू इज ग्रेटर देन 0। तो एंड हमने क्यों किया, क्योंकि एंड जो है हमारा मल्टीपल कंडीशन कंडीशन को एक्सेप्ट करता है बट रिक्वायर्ड, मतलब कि दोनों कंडीशन को फुलफिल होना ही होगा। ओके कर दिया एंड फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ हमने पेंट कर दिया। तो अब मैं क्या बोला, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इफ का यूज नहीं कर सकते हम, इफ क्यों कर सकते, इफ का देखिए ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है ना कंडीशंस में, इफ तो क्या होता है रिजल्ट देता है ना, तो फिर आपको वापस तो वही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बोला इफ ए टू इक्वल टू 10, सिर्फ ए टू इक्वल टू 10 दोगे तो ही काम चलेगा, इफ लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर इफ नहीं रीड होता है, ये टू एंड फॉल्स पे चलता है ना, किसी वैल्यू पे नहीं, उसको फाइनली रिजल्ट ट्रू मिलना चाहिए। ओके, अब इसमें अगला अगर बात करें हम तो हमारे पास यहाँ पे डेट है, मैं यहाँ पे कुछ डेट डाल देता हूँ,
तो मुझे इसमें क्या है कि सैटरडे एंड संडे के डेट को हाईलाइट करनी है। yes, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला सैटरडे संडे लाने का फॉर्मूला है टेक्स्ट का, जो कि इसमें अगर तीन बार डी करते हैं तो बताता है कि सैटरडे या संडे है। इसमें यहाँ पे क्या है कि एक डेट के ऊपर खाए तो सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, yes, दोनों तो नहीं ना होगा क्या? यस सर। तो यहां पे हमें और लगाना होगा। तो न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, इसमें जाएंगे इक्वल और में देंगे हम टेक्स्ट, और फिर हम देंगे एन टू कॉमा ट्रिपल डी, ठीक है, इक्वल टू, और यहां पे करेंगे इक्वल टू सैटरडे कॉमा, फिर यहां पे एन टू टेक्स्ट करना ना, टेक्स्ट एन टू कॉमा ट्रिपल डी 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 इक्वल टू संडे, ठीक है। और यहां पे हम इसको कलर कर देते हैं एंड ओके एंड ओके एंड फॉर्मल पेंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर। तो हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी पढ़ी उसे हमने फॉर्मूले की इस्तेमाल किए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक और क्लास आपको होगी, वो होगी आपको जब हम फॉर्मूले पूरा कवर कर लेंगे तब, ठीक है सर। ठीक है, फॉर्मूले जब कवर कर लेंगे तब, क्यों? क्योंकि क्या है जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल है और हमने ये फॉर्मूला सीखा नहीं है, एक बार फॉर्मूला हम सीख लेते हैं फिर आगे इसका आगे करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। प्रैक्टिस कीजिए, जितना फॉर्मूला आपको आता है उतने से प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास आप करेंगे प्रोटेक्शन की, ठीक है सर। एक प्रॉब्लम था, बताइए सर। ऑफिस में ना डेली जैसे हम शेयर्ड सीट पे काम करते हैं 14-15 लोग, उसमें सर बार बार ना एक ही प्रॉब्लम आता है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाता है कि फाइल लॉक बाई यूजर नेम का नाम आ जाता है, फिर उस फाइल में हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो फिर उसका कॉपी बनाना पड़ता है, उसका कोई सोल्यूशन है क्या? वो देखिए होता है क्या होगा कि कोई इस फाइल को लॉक कर देता होगा पासवर्ड से। नहीं नहीं पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं होता, होता क्या था कि जब काफी लोग एक साथ ही सेव करने लगते है ना फाइल, वो लॉक हो जाता है, उस पर लिख के आता है फाइल इज लॉक बाई यूजर नेम आ जाता है, जो वो सोल्यूशन नहीं निकल पाता। आपकी कंपनी गूगल से, आपकी कंपनी पे गूगल अलाउ है? गूगल नहीं, एक्सेस नहीं कर पाते हम। तो गूगल सीट से हो सकता है शेयरिंग पे। तो आपका काम डेटा एंट्री करने का होता है क्या उसपे? हाँ सॉफ्टवेयर से डेटा उठाकर उसमें, हाँ वही करना होता है। वो देखना पड़ेगा, उस पर देखेंगे तो बता देंगे क्या सोल्यूशन है, किस तरह का काम पता चलेगा।